बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाखलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आज हम ग्रुप एंड ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रुप एंड ग्रुप डायनेमिक्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। ग्रुप डायनेमिक्स, when the people are in groups, their behavior and their attitude is different from the behavior or attitude when they are alone. In group, how groups are formed and what are the group dynamics, we are going to study these two major ideas, because being teacher we have to deal with the groups. First of all, what is a group? Yani group ke meanings kya hai, group ka matlab kya hai? A group is a collection of people, yani logon ka ek ye collection hota hai, logon ka ek ikatth hota hai, who interact with one another, jo ek dusre ke sath interact kar rahe hote hain, yani afraad ka aisa group जिसके जो अफराद हैं, जिसको मेम्बरान हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुक होते हैं, एक्सेप्ट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज मेंबर्स, वो उस ग्रुप का मेंबर होने की हैसियत से वो कबूल करते हैं अपने हकूक़ को भी और अपनी जिम्मेदारियों को भी, जिन्हें उन्हें अपने हकूक़ और फ़राइज़ का इल्म होता है, और वो अपने हकूक़ अदा करते हैं, अपने फ़राइज़ अदा करते हैं और अपने हकूक़ जो है उसके लिए वो जिद्दोजहद करते हैं और इस बात को कबूल करते हैं कि उनके हकूक़ भी हैं लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। एंड हु शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, और वो जो ग्रुप होता है, वो जो अफराद का ग्रुप होता है, उनकी एक मुश्तरका शनाख्त होती है, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। यानी वो अफराद जो हैं, अब वो फ़र्द नहीं होता, हर आदमी अलग नहीं होता, बल्कि उसकी शिनाख्त उस ग्रुप के मेंबर की हैसियत से, उस ग्रुप के रुकन की हैसियत से होती है। यानी अफराद का ऐसा ग्रोह जो इकट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में उनको पता होता है और वह इनको कबूल करते हैं, और उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो शिनाख्त है, वो ग्रुप की हैसियत से होती है, एक फ़र्द की हैसियत से नहीं होती। अ ग्रुप इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट एंड इंटरडिपेंडेंट कम टूगेदर टू अचीव पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। यानी जब दो आदमी या दो से ज़्यादा जो अफराद हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी वो एक दूसरे पर इनसार करते हैं, वो एक दूसरे के मोहताज होते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। कम टुगेदर, इकट्ठे क्यों होते हैं? टू अचीव पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, उनके ख़ास मकासद होते हैं, उनको हासिल करने के लिए वो जमा होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। यानी जो ग्रुप बनता है, एक तो यह है कि कम अज़ कम उसमें दो अफराद होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर इनसार कर रहे होते हैं, और वो उनके को ख़ास मकासद होते हैं, उन मकासद को हासिल करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं। मज़ीद इस पर बात करें तो ग्रुप्स आर यूनिट्स ऑफ सोसाइटी, यानी ग्रुप जो हैं वो हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी की बुनियादी इकाई हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स लिव इन ग्रुप्स, इंसान जो है वो माशर्ती जानवर है। अरस्तो ने कहा था कि अकेला जो है इंसान नहीं रह सकता, अगर अकेला रह सकता है तो सिर्फ खुदा रह सकता है या फिर शैतान रह सकता है। यानी इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे दूसरे लोगों के साथ, दूसरे अफराद के साथ मिलकर रहना होता है और उसकी एक माशर्ती ज़रूरत है। इसीलिए अरस्तो ने इसे इंसान को सोशल एनिमल कहा है, ये एक माशर्ती जानवर है, ये तनहा नहीं रह सकता, ये दूसरे इंसानों के साथ मिलकर रहता है। तो इंसान होने की हैसियत से वो ग्रुप्स में रहते हैं, और ये ग्रुप जो है उसमें फैमिली है, क्लैन, उनका जो कबीला है, उनका ख़ानदान है,
उनकी बिरादरी है, उनका कबीला है, कोई सियासी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई मजहबी इदारे हैं, तो किसी न किसी इदारे के साथ इंसान का ताल्लुक होता है और वो हमेशा ग्रुप्स की शक्ल में रहता है, इज्तिमाआत की शक्ल में रहता है, मिलकर रहता है। यानी अगर हम ग्रुप को देखें तो उसमें सबसे पहला जो बुनियादी एलिमेंट है, पहला जो अंसर है वो है पीपल, लोग, अफराद, इंसान। फिर इन अफराद का आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, यानी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक होता है। और फिर इनके जो गोल्स हैं वो कामन होते हैं, यानी उनके कुछ कुछ मुश्तरका, कुछ एक जैसे जो हैं वो गोल होते हैं, मकासद होते हैं, और उन मकासद के लिए ये कोशिश करते हैं। और इनकी जो आइडेंटिटी होती है, इनकी जो शिनाख्त होती है, वो शेयर्ड आइडेंटिटी होती है, यानी सब की शिनाख्त उस ग्रुप के मेंबर के होने की हैसियत से होती है। तो ये ग्रुप है, यानी उसमें अफराद होते हैं, लोग होते हैं, उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, उनके कामन गोल्स होते हैं, और उनकी जो आइडेंटिटी होती है और वो डिस्टिंग्विशिंग होती है, यानी दूसरों से बिल्कुल ममैज़ और मुमताज़ होती है, अलग थलग होती है उनकी जो शिनाख्त है। तो ये चार अगर उसके अंदर क्वालिटीज़ हों अफराद के ग्रोह के अंदर, तो अफराद जो हैं वो इकट्ठे हों, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, उनके गोल्स मकासद कामन हों और उनकी एक अलग शिनाख्त हो, तो हम कहते हैं कि ये जो अगट है ये ग्रुप है। क्राइटेरिया क्या होता है किसी ग्रुप के लिए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन से हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, या हमारे क्राइटेरिया क्या है, हमारा मेयार क्या है कि हम कहते हैं कि ये अगर उसके अंदर है तो ये ग्रुप है। उसमें पहली चीज़ है अफराद, लोग जो हैं वो क्राइटेरिया है कि अगर उसमें लोग होंगे तो हम कहेंगे ये, यानी अफराद का होना ज़रूरी है, चाहे दो हों, कम अज़ कम दो अफराद का होना जो है ज़रूरी है, तब वो ग्रुप होगा। दूसरे, उनका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, यानी उनकी एक बाकायदा रस्मी तौर पर उनकी एक साख्त होती है उस ग्रुप की, यानी उसमें जिम्मेदारियां तय होती हैं और उसमें हर बंदा जो है या हर फर्द या हर मेंबर जो है उसकी एक ख़ास ज़िम्मेदारी होती है और उसकी एक ख़ास हैसियत होती है। और फिर तीसरी शर्त यह है कि वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई दो अफराद ऐसे हैं जो किसी सपोज़ के गाड़ी में बैठे हुए हैं और एक सीट पे बैठे हुए हैं और आपस में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं है, कोई तारफ नहीं है, तो वो ग्रुप नहीं होगा। यानी उसके लिए ज़रूरी है कि ग्रुप के जो अफराद हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों। और फिर उनका जो किस्मत है, उनका जो फेट है, वो कामन हो, यानी वो इकट्ठे डूबते हों और इकट्ठे तैरते हों। कामयाबी जो है एक फ़र्द की पूरे ग्रोह की कामयाबी, और एक फ़र्द की जो नाकामी है पूरे ग्रोह की नाकामी समझी जाती है, और पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो इकट्ठा कामयाब होता है या इकट्ठा नाकाम होता है। जैसे एक टीम है, हॉकी टीम है, फुटबॉल टीम है, तो वो उसके एक तो यह है कि उसका एक बाकायदा सोशल स्ट्रक्चर होता है, उस सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, फिर वो इकट्ठे जीतते या हारते हैं। यानी किसी एक बंदे की मेहनत से अगर टीम हार गई कि या जीत गई तो वो पूरी टीम की जीत होगी या पूरी टीम की हार होगी। गोल्स उनके कामन होते हैं, उनके मकासद जो हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही मकसद के लिए वो काम कर रहे होते हैं, अपने अपने अलग अलग मकासद के लिए काम नहीं करते, बल्कि पूरे ग्रुप का एक कामन जो है वो एक या एक से ज़्यादा गोल्स कामन होते हैं। फिर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, यानी उनके एक दूसरे पर इनसार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तब वो हम कहेंगे ये ग्रुप है। और उसके बाद सेल्फ डेफिनेशन है ग्रुप मेंबर, यानी जिस ग्रुप में वो शामिल होते हैं वो उसको उनकी अपनी एक डेफिनेशन होती है और वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं और इस बात पे वो फ़ख्र कर रहे होते हैं कि हम इस ग्रुप से हमारा ताल्लुक है। यानी ख़ुद वो ग्रुप होने की हैसियत से अपने आप को उस ग्रुप के हवाले से डिफ़ाइन करते हैं। और फिर दूसरे जो लोग हैं, दूसरे ग्रुप हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी उनको, वो दो बंदे या चार या जितने भी हैं, उनको एक ग्रुप के तौर पे उनको तस्लीम करते हैं। यानी ग्रुप बनने का क्राइटेरिया जो है वो है कि उसमें अफराद होने चाहिए कम अज़ कम दो, उसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उन अफराद के दरमियान इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके जो कामन फेट, कामयाबी और नाकामी जो है वो कामन होनी चाहिए, और कामन गोल्स होने चाहिए उनके, और वो इंटरडिपेंडेंट्स हों, एक दूसरे पे अनसार करते हों, और उनकी अपने तौर पे वो ग्रुप में वो मानते हों और डिफ़ाइन करते हों अपने आप को कि हम, हमारा
इस ग्रुप से ताल्लुक है और उस ग्रुप को दूसरे भी मानते हों और तस्लीम करते हों कि हाँ ये जो है ये एक ग्रुप है और ये ग्रुप जो है इसकी ये खसूसियात हैं, इसकी ये शिनाख्त है। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बेंसन के मुताबिक वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ग्रुप में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रुप ऑफ पीपल एंगेज इन फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, एक तो लोग हैं अफराद हैं, दूसरा उनके अंदर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन है यानी अक्सर वो आपस में मिलते हैं, आप अक्सर इंटरेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि एक देन इंटरेक्ट किया और उसके बाद साल गुजर गए, कई महीने गुजर गए और आपस में इंटरेक्शन नहीं है, वो ग्रुप नहीं है, यानी उनका फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होना चाहिए। दूसरा नंबर दो, दे आइडेंटिफाई विद वन एंड अदर, वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे को शनाख्त कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं और उनकी एक दूसरे से शनासाई होती है। नंबर थ्री, दे आर डिफाइंड बाय अदर्स एज ग्रुप, दूसरे लोग भी उनको ग्रुप के तौर पे डिफाइन करते हैं, एक तो वो अपने तौर पे भी शनाख्त होते हैं कि हाँ हम इस ग्रुप में हैं, हमारा ये ग्रुप है, दूसरे जो लोग हैं वो भी उनको ये तस्लीम कर रहे होते हैं कि ये उस ग्रुप से इनका ताल्लुक है, ये फलां ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ये फलां टीम है उसके ये मेम्बर हैं। फोर्थ, दे शेयर बिलीव्स वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स अबाउट एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी उनके अपने जो मुश्तरका दिलचस्पियाँ होती हैं उसके बारे में जो उनके एतकादात हैं, उनके जो अकदार हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेयारात हैं, वो सारे कामन होते हैं और एक जैसे होते हैं, सब एक ही मियार पे होते हैं, सबकी सोच एक तरह की होती है, सबके नज़रियात एक ही तरह के होते हैं। दे डिफाइन देम सेल्व एज ए ग्रुप, वो अपने आप को एक ग्रुप के तौर पे डिफाइन करते हैं कि यस वी आर ए ग्रुप, हम एक ग्रुप से हैं। दे कम टुगेदर टू वर्क ऑन कामन टास्क एंड फॉर एग्रीड परपजेस, यानी वो जो ग्रुप के लोग होते हैं, उस ग्रुप के लोग होते हैं, वो किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए, किसी ऐसे काम के लिए जो सबका मुश्तरका होता है, जो सबके लिए कॉमन होता है, उस टास्क के लिए, उस काम के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं तो उनका एक टास्क है, उस टास्क के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। इसी तरह अगर कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोग जो हैं काम पर, उनकी एक टीम होती है, वो इकट्ठे होते हैं। यानी कोई उनका एक जो काम होता है वो कॉमन होता है, वो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक काम पर, किसी एक मकसद के लिए और ऐसे मकासद के लिए काम कर रहे होते हैं जो उनके आपस में एग्रीड होते हैं, जिस पे वो एक दूसरे को यानी मुत्तफिक होते हैं, इत्तफाक होता है उनका कि हाँ हमारे ये मकासद हैं। ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती है, यानी ग्रुप डायनेमिक्स क्या एक एक सब्जेक्ट है, वो क्या सब्जेक्ट है? ग्रुप डायनेमिक्स स्टडी ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप स्ट्रक्चर्स, ग्रुप फंक्शन एंड ग्रुप बिहेवियर, यानी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ग्रुप की जो साख्त होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रुप्स के जो फंक्शन होते हैं यानी उनकी जो काम होते हैं, उनकी कारकर्दगी होती है, उनके रवैये बिहेवियर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये ग्रुप डायनेमिक्स में हम ग्रुप्स, ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स और ग्रुप्स के फंक्शन और उनके बिहेवियर का मुताला करते हैं। ये जो ग्रुप डायनेमिक्स है, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ सोशल साइकोलॉजी दैट इन्वेस्टिगेट्स द फॉर्मेशन चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द साइकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द पीपल। ये एक सोशल साइकोलॉजी का एक हिस्सा है, ये जो ग्रुप डायनेमिक्स है, ये सोशल साइकोलॉजी जो होती है, जिस तरह हम एजुकेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, इस तरह सोसाइटी की एक साइकोलॉजी होती है, उस साइकोलॉजी का एक सब ग्रुप है, उसका एक हिस्सा है, उसकी एक डिवीजन है। ये जो ग्रुप डायनेमिक्स इज़ ए पार्ट एंड पार्सल आर ए सब ग्रुप आर सब डिवीजन ऑफ सोशल साइकोलॉजी दैट इन्वेस्टिगेट, जिसमें हम ये तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, ये छानबीन करते हैं कि ग्रुप्स कैसे फार्म होते हैं, हाउ द ग्रुप्स आर फॉर्म, द ग्रुप फार्मेशन चेंजेस इन स्ट्रक्चर, यानी ग्रुप्स के जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, उसमें तब्दीलियाँ कैसे आती हैं, उनके फंक्शन यानी उनके काम कैसे होते हैं और उस काम के अंदर कैसे बेहतरी लाई जाती है और काम के अंदर कैसे डिवेलपमेंट होती है, और साइकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द पीपल और उनके जो साइकोलॉजिकल ग्रुपिंग है, जो नफ्सियाती ग्रुपिंग होती है उनकी, उसके वो क्या उनके उसके फंक्शन हैं और वो क्यों की जाती है और उसके क्या नॉर्म्स और क्या हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियाँ कैसे आती हैं। चेंज दैट टेक प्लेस विद इन ग्रुप्स, द इंटरेक्शन एंड द फोर्सेस ऑब्टेन विद इन अ ग्रुप, यानी उस ग्रुप के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो उस
ग्रुप के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो कैसे आती हैं, कौन से फैक्टर उन पर असर करते हैं, और उनका जो इंटरेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, और वो कौन सी फोर्सेस हैं जो के ग्रुप के अंदर जो कुव्वतें पैदा होती हैं और उस ग्रुप में रहते हुए जो जो उसके फोर्सेस हासिल होती हैं, उसे जो पावर हासिल होती है, या जो दूसरी फोर्सेस हैं जो इस ग्रुप के ऊपर असर करती हैं, उनको हम मुतालिया करते हैं। गोया के ग्रुप डायनेमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ग्रुप के मुख्तलिफ डायमेंशन, उसकी फार्मेशन, उसके स्ट्रक्चर और उसकी के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम ग्रुप डायनेमिक्स पढ़ते हैं, खासतौर पर टीचर एजुकेशन में इसको क्यों हम पढ़ाते हैं, उसका इसलिए कि उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, यानी एक नफसियाती उसका पहलू है कि जब ग्रुप्स होते हैं तो उनके जो नफसियाती एटीट्यूड्स होते हैं, उनके जो रवैये होते हैं, उनके बिहेवियर होते हैं। तो चूँकि हमने बींग टीचर, बींग एजुकेशनिस्ट, चूँकि हमारी डीलिंग ही ग्रुप से होती है, क्लासेस से होती है, इसलिए हमें उनके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसका हमें पता होना चाहिए, और ये हम जाहिर है कि ग्रुप डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, यानी ग्रुप जो होती हो, इसका ग्रुप डायनेमिक्स जो है कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल अमली उसके पहलू हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रुप्स कैसे कैसे काम करते हैं और उनसे किस तरह जो है फ़ायदे उठाए जा सकते हैं और उनको किस तरह बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। फिर साइंटिफिक एस्पेक्ट है कि साइंसी उसका एक पहलू है कि जिसमें हम देखते हैं कि काज और इफेक्ट का जो आपस में रिलेशनशिप होती है, कि कैसे ग्रुप बनते हैं, उनके काम कैसे करते हैं, और ग्रुप के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो असर करते हैं, और ग्रुप को कैसे चेंजेस को जो है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और ग्रुप्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और ग्रुप्स बिहेवियर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं। और एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, यानी जब अफराद आपस में मिलते हैं ग्रुप की शक्ल में तो वो आपस में उनका सोशल इंटरेक्शन होता है, तो उनके जो माशरती अकदार हैं उनका बाजू का टकराव होता है, उसमें एडजस्टमेंट होती है, कोलिजन होता है। इसके अलावा इस बिहेवियर को मॉडिफाई, जो सोशल बिहेवियर होता है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है बहुत सारी सूरतों में, तो इसका सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो भी है। गोया के ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब हम इसलिए करते हैं, हम इसलिए इसको पढ़ते हैं ताकि हम इसकी जो जो ग्रुप्स हैं उनकी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी हम जान सकें, उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी जान सकें, उनके साइंटिफिक जो पहलू हैं उनको भी अच्छी तरह हमें पता चल सके, और उनके सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनका भी हम उनके बारे में भी अच्छी तरह जान सकें। ग्रुप्स की किस्में कौन सी हैं, यानी कौन कौन से टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं, यानी जो जिनकी जो नफसियाती ज़रूरतें होती हैं, या जिनके नफसियाती डिमांड्स होती हैं, या जो उनका जो साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट की जो स्टेज होती है वो एक जैसी होती है। दूसरे जो हैं वो सोशल ग्रुप्स हैं, यानी जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बनते हैं वो, यानी साइकोलॉजिकल ग्रुप वर्सेस सोशल ग्रुप्स, ये दो किस्में ये हो गई। एक किस्म जो है फॉर्मल ग्रुप्स हैं जिनकी बाकायदा एक स्ट्रक्चर होता है, एक रैंकिंग होती है, बाकायदा जिम्मेदारियां तय होती हैं, एक फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, और एक इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कि उनका कोई बाकायदा स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई बाकायदा उनकी कोई हायरार्की नहीं होती, बाकायदा उनका जो है वो कुछ जिम्मेदारियों का तहयन और कुछ उनकी जो रैंक्स होते हैं या डेजिग्नेशंस होती हैं वो उस तरह से पूरी तरह वाज़े तौर पे तय नहीं होती। तो फॉर्मल है और इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। फिर एक प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं जो बुनियादी ग्रुप्स होते हैं, जैसे फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप है, क्लैन जो है ये प्राइमरी है, इसी तरह ये सेकेंडरी ग्रुप्स वो होते हैं जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेट्स हैं, इसी तरह जो है यूनाइटेड नेशन है, ये बड़े जो ग्रुप्स होते हैं जो ऊपर की सतह के होते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप्स कहलाते हैं। फिर कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो मेंबरशिप बेस्ड होते हैं, यानी उनकी बाकायदा मेंबरशिप हासिल करना पड़ती है, और उसके मेंबरशिप के बाकायदा कुछ शरायत हैं, बाज़ औक़ात कोई चंदा होता है, कोई फ़ीस होती है। और एक वो ग्रुप्स होते हैं जो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं कि जो हवाले के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं उसमें बाकायदा कोई मेंबरशिप नहीं होती, मैच जो है वो एक रेफरेंस की बुनियाद पर ये ग्रुप बनते हैं। और एक हैं कॉमन टास्क कमांड ग्रुप्स होते हैं, यानी वो जिनके ऊपर पूरी एक हायरार्की होती है, जिनके ऊपर एक फैसला करने वाला एक लीडर होता है, उसके पास फैसला करने की पावर होती है, कमांड होती है उसके पास, जैसे हमारी आर्मी है, पुलिस है,
ये कमांड ग्रुप्स हैं, और दूसरे जो हैं टास्क ओरिएंटेड ओरिएंटेड ग्रुप होते हैं, यानी वो ग्रुप्स जो किसी काम के लिए वो ग्रुप बनाए जाते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट है, कोई एक सड़क बनानी है, कोई एक स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट या ये टास्क के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा, एक टीम बनाई जाएगी। इसी तरह अगर हमने स्कूल में कोई फंक्शन करना है, पेरेंट्स डे करना है, या एनुअल रिजल्ट का कोई प्रोग्राम करना है, तो कुछ टीचर्स को आपस में मिला के एक ग्रुप बनाया जाता है, वो टास्क ग्रुप कहलाता है। एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, यानी ऐसे उसमें मेंबर होंगे, ऐसे लोग शामिल होंगे जिनका इंटरेस्ट कॉमन होगा, जिनकी दिलचस्पियाँ एक जैसी होंगी, और वो उसमें इंटरेस्ट लेके वो उस ग्रुप में शामिल होंगे। और एक फ्रेंडशिप ग्रुप होता है, जैसे दोस्तों का ग्रुप होता है, वो दोस्त जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो इस तरह ये 12 टाइप ऑफ ग्रुप्स होते हैं: साइकोलॉजिकल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स, मेंबरशिप बेस्ड ग्रुप्स, रेफरेंस बेस्ड ग्रुप, कमांड बेस्ड ग्रुप्स, टास्क बेस्ड ग्रुप्स, इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप और फ्रेंडशिप ग्रुप्स जो हैं। इस तरह ये 12 टाइप के ग्रुप्स होते हैं जो हमारे माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये मौजूद होते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो एक ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो छोटे होते हैं, यानी जिनका साइज़ बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है। दूसरे जो हैं वो लार्ज ग्रुप्स होते हैं, यानी साइज़ के हिसाब से एक स्माल ग्रुप्स हैं, और दूसरी किस्म के जो हैं लार्ज ग्रुप्स हैं। स्माल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिनमें कम से कम 2 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर्स आर अ फ्यू मेंबर्स, जिसके उसूल यह है कि 2 हेड्स आर बेटर देन 1, यानी 2 दिमाग जो हैं वो 1 दिमाग से ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये जब कम से कम 2 अफराद मिलते हैं तो ये ग्रुप बनता है, 2 से ज़्यादा या चंद होते हैं, 8, 10, 15, 20 गिनती के लोग होते हैं, तो ये एक स्माल ग्रुप होता है। इसका फ़ायदा होता है कि इंटरेक्शन बेहतर होती है, इसको मैनेज करना आसान होता है, टारगेट ओरिएंटेड होता है, इनके दरमियान इत्तफाक और इताज ज़्यादा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इस ग्रुप में कम होते हैं, और जॉब ओरिएंटेड होता है, और ये इस लिहाज से इसको मैनेज करना आसान है। इसमें खूबियाँ हैं, लेकिन इसके अंदर ख़राबियाँ भी हैं कि ये इसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं होती, और इसके अंदर वो जो फैसले हैं वो उनका वो आला मेयार के उस तरह से नहीं होते। लार्ज ग्रुप जो होते हैं वो 200, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, ज़्यादा जो लोग होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, यानी इनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, और इसके अंदर वैरायटी होती है, डाइवर्सिटी होती है। इसमें भी उसूल ज़ाहिर है कि जब अकेला बंदा होता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, जब ज़्यादा सर कम अज़ कम 2 दिमाग मिलते हैं तो बहुत मिलती है, और अगर 2 से ज़्यादा हों, सैकड़ों की तादाद में हों, तो काम इस लिहाज से बेहतर हो जाता है। ज़्यादा दिमाग जो हैं वो आपस में मिल के ज़्यादा बेहतर फैसले करते हैं। इसके अंदर खूबियाँ भी हैं और इसकी खामियाँ भी हैं। खूबियाँ यह है कि इसमें डाइवर्सिटी होती है, मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ जहनों के लोग होते हैं, और जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक काम में बेहतरी आती है और उसके अंदर वैरायटी होती है। लेकिन इसके अंदर कुछ खामियाँ भी हैं कि कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, इनको कंट्रोल करना और मैनेज करना इस ग्रुप को बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बड़े ग्रुप को मैनेज करने का ये तरीका है कि उसको फिर उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, और हर ग्रुप के ऊपर एक उसका हेड लीडर या सुपरवाइज़र लगा दिया जाता है, और इस तरह काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ उनको दी जाती हैं, और इस तरह ये टास्क जो है मुकम्मल किया जाता है। ग्रुप डेवलपमेंट कैसे होती है, ग्रुप बनते कैसे हैं? सबसे पहले पहला जो स्टेज है वो फार्मिंग है, यानी ग्रुप बन रहा होता है जब लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं, कुछ मकासद तय हो रहे होते हैं, कुछ आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सामने रखे जाते हैं कि हमने ये ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप जो है फार्म हो रहा होता है, 2 बंदे इकट्ठे होते हैं, फिर तीसरे को मिलाते हैं, फिर चौथे को, इस तरह जो है वो ग्रुप जो है वो बनता चला जाता है। दूसरी जो स्टेज है उस पर होती है स्टॉर्मिंग, यानी ये जो ग्रुप के जो अफराद हैं ये आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, कभी इख्तलाफात होते हैं, कभी जो रवैये मुख्तलिफ होते हैं, नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं, वो एक जगह पे बाज़ूकात उनकी सोचें नहीं होती, तो ये इनके दरमियान स्टॉर्मिंग होती है, यानी बहस मुबासा होता है, और किसी फैसले तक पहुँचने के लिए डिस्कशंस होती हैं। फिर जब ये तय हो जाता है, उसके तहत डिस्कशन के बाद उस स्टार्मिंग का एक जो तूफ़ान गुजर जाता है और वो इख्लाफ राय जो है उस पर किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन होती है, यानी फिर नॉर्मिंग शुरू हो जाती है, फिर वो ग्रुप नॉर्मल होता जाता है, और उसके अंदर वो जो झगड़े, फसाद और इख्लाफ राय और नज़रियात का इख्लाफ, ये ख़त्म हो जाता है, और ग्रुप जो है नॉर्मल हो जाता है, और वो अपना काम जो है
शुरू कर देता है, यानी परफॉर्मिंग। चौथा जो मरहला है परफॉर्मिंग है, यानी वो ग्रुप परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद के उसूल के लिए काम करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद ये जब अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो फिर पांचवा मरहला जो है वो आखिरी मरहला है वो है एडजॉर्निंग, यानी वो ग्रुप जो है वो अपना काम चूँकि उसने ख़त्म कर दिया है, अगर तो काम कुछ मज़ीद कुछ मकासद सामने हैं तो उनको हासिल करने के लिए ग्रुप कुछ अरसे के लिए मअत्तल हो जाएगा या फिर मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसकी जो है पांच स्टेजेस हैं, यानी एडजॉर्निंग के बाद फिर अगर ज़रूरत पड़े तो फिर फार्मिंग होती है, यानी फिर ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, फिर स्टार्मिंग होती है, फिर वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, नॉर्मिंग होती है, फिर जब वो ग्रुप नॉर्मल अंदाज में बन जाता है तो फिर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, परफॉर्म जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो फिर एडजॉर्निंग होती है, फिर वो उसका काम जो है सस्पेंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट के इसके फाइव जो हैं स्टेजेज़ हैं। ग्रुप के फंक्शन क्या है, यानी ग्रुप करता क्या है? सबसे पहले ग्रुप जो है वो तीन तरह के उसके फंक्शन है। नंबर वन है टास्क फंक्शन, यानी टास्क फंक्शन का मतलब है काम, यानी जो काम है उस काम से मुतलक जो फंक्शन है उसमें काम को इनिशिएट किया जाता है, शुरू किया जाता है, फिर उस काम के लिए उसको शुरू करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन सीकिंग, यानी जो डेटा जमा किया जाता है इंफॉर्मेशन ली जाती हैं, फिर इंफॉर्मेशन गिविंग, वो जो मुख्तलिफ जो रुकन होते हैं मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो उस इंफॉर्मेशन जो है उसको फिर वो देते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि अपने जो आइडियाज़ हैं उनको क्लैरिफाई करते हैं, मुख्तलिफ जो आइडियाज़ होते हैं, मुख्तलिफ जो सोचें होती हैं, मुख्तलिफ जो नज़रियात होते हैं और मुख्तलिफ जो तरीके काम के वो सजेस्ट करते हैं उनको वो क्लैरिफाई करते हैं, फिर वो ब्रिंगिंग क्लोजर, फिर वो उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये वाला आइडिया जो है या ये जो फैसला है या ये जो हमने तय किया है ये ठीक है, उस पर होती है उस पर, यानी उस पर नतीजा निकाल लेते हैं, उस पर क्लोजर होता है और फिर कंसेंसिस हो जाता है, और जब कंसेंसिस होता है तो फिर उसको टेस्ट करते हैं, उस काम को टेस्टिफाई करते हैं, उस बशरे पे अमल करते हैं। तो ये है टास्क फंक्शन है। दूसरे हैं मेंटेनेंस बिहेवियर, यानी जो ग्रुप है उसका दूसरा जो टास्क है वो मेंटेनेंस बिहेवियर का है, फंक्शन है, उसमें इनक्रेज करते हैं, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करते हैं, हौसला देते हैं, अपना ग्रुप जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करते हैं, हारमोनाइज़ करते हैं, यानी उसके अंदर हारमोनी पैदा करते हैं ताकि वो इख्तलाफात हैं और वो जो मुख्तलिफ राय हैं उनको एक स्टेज पे और एक डायरेक्शन में ले आया जाए। फिर कंप्राइजिंग, फिर उसको वो जो कंप्राइज करते हैं, फिर वो बनाते हैं, फिर उस कारकर्दगी जो है उस पर अमल करते हैं, फिर गेट कीपिंग है, यानी उसको कंट्रोल करते हैं कि ये जो हमारे वसाइल हैं या हमारे जो फैसले हैं जो हमने उनको किस तरह हमने जो है एक डायरेक्शन में रखना है। फिर स्टैंडर्ड सेटिंग है, फिर वो मेयार तय करते हैं कि हाँ जी हमारा कम अज़ कम बिहेवियर या कम अज़ कम मेयार जो है वो इतना होना चाहिए, और उसी स्टैंडर्ड पर पूरा ग्रुप जो है वो काम करता है। तीसरा फंक्शन ग्रुप का है सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर है। ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मफादात के लिए काम करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, उन्हें ग्रुप बिहेवियर से या ग्रुप के फ़ायदे से ज़्यादा अपना ज़ाती मफाद जो है उसको ज़्यादा वो पसंद करते हैं और उसके लिए वो कोशिश करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं वो कि वो डोमिनेशन एंड कंट्रोलिंग, वो कोशिश करते हैं कि डोमिनेट करें, कंट्रोल करें ग्रुप की सरगर्मियों को और ग्रुप की जो काम है उनको कंट्रोल किया जाए और उनसे अपने मकासद हासिल किया जाए। ब्लॉकिंग होती है, यानी जिसमें वो ब्लॉक करते हैं उसको जो उसकी ग्रुप की कारकर्दगी है उसको ब्लॉक करने, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और इस तरह वो यानी उसके जो ग्रुप है उसकी कारकर्दगी को रोकने की और उसको उसमें रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने उनकी दिलचस्पी ग्रुप की से ज़्यादा अपने मकासद के लिए होते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए वो काम करते हैं। मैनिपुलेटिंग, वो फैसलों को और बातों को और जो वहाँ डिस्कशन होती है उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसे अपनी मर्जी का और अपना रंग देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो यानी उस ग्रुप की कारकर्दगी मुतासर होती है। फिर बाई डिटलिंग करते हैं, यानी वो ग्रुपिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं और अपने मफादात के लिए वो कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल हो सके। स्प्लिटिंग हेयर, यानी वो छोटी छोटी चीज़ों को पे बहुत ज़्यादा वो डिस्कस करते हैं और बाल की खाल उतारने की कोशिश करते हैं, ज़ाहिर है कि इन छोटे डिस्कशंस पे और छोटी छोटी बातों पे उलझना और उनकी तफसीलात में जाना और ख़ामखा का जो है ना वो
एक उसमें से हुज्जत निकालना, उससे फिर ग्रुप की कारकर्दगी जो है वो कमज़ोर होती है और ख़राब होती है। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं, यानी ग्रुप नॉर्म से मुराद ग्रुप के स्टैंडर्ड क्या हैं, यानी ग्रुप के मेयारात क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है कि ग्रुप, जो भी ग्रुप होता है, एक अच्छा ग्रुप होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, यानी उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं, कुछ कवायद ज़वाबत हैं, और उस ग्रुप के जितने मेंबर हैं वो सारे उन पर उन्हें अमल करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट है कि जो कोड ऑफ बिहेवियर है वो, या कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी ग्रुप के अंदर कैसे काम करना है, वो पूरा एक कोड होता है उस ग्रुप का, उसी के मुताबिक काम करते हैं। रिवार्ड नॉर्म्स होते हैं कि इनामात कैसे देनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, इसी तरह किसी को अगर हौसला अफजाई करनी है तो कैसे करनी है, किसी को मज़ीद जो है कुछ उसकी सैलरी में या उसकी जो उसको इंसेंटिव हैं वो कैसे देने हैं, उसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, नॉर्म्स बनाए जाते हैं। ड्रेस नॉर्म्स होते हैं कि लिबास कैसे पहनना है, जूते कैसे पहनने हैं, पूरा हमारा जो ड्रेस होगा वो ड्रेसअप हम कैसे होंगे। हर ग्रुप जो है उसका अपना एक ड्रेस नॉर्म होता है, जैसे एक टीम है तो उसका अपना एक यूनिफॉर्म होता है, उसका अपना एक कलर होता है, उसका अपना एक ड्रेस का अपना एक कोड होता है। इसी तरह स्कूल है तो उसका जाहिर है कि हर स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म है, अपना एक बैज है, अपना एक उसका जो लिबास है, उसका ड्रेस है। अगर फीमेल टीचर हैं तो उनका एक ड्रेस कोड होगा कि आपने जब स्कूल में आना है तो ये लिबास पहनना है। जो मॉडर्न किस्म के स्कूल हैं जाहिर है उनका ड्रेस कोड अलग होगा, जो इस्लामिक स्कूल हैं उसमें वो टीचर्स का ड्रेस कोड जो है वो अलग होगा। तो ये उनके ड्रेस कोड हैं। लॉयल्टी नॉर्म्स जो हैं, यानी वो बंदा जो है इदारे के साथ, ग्रुप के साथ वफादार है, वो नॉर्म हैं कि जी आपने इसके साथ वफादार रहना है और इसको छोड़ना नहीं है, और ये उनके बाकायदा नॉर्म्स हैं कि ये बंदा कोई करेगा, मीटिंग्स इतनी अटेंड करेगा, ये उसकी कारकर्दगी होगी तो हम उसको रखेंगे, अदरवाइज जो है उसको ग्रुप से एक्सपेल कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म जो हैं वो नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। उसूल क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं ग्रुप डायनेमिक्स के? पहला ये है कि ए स्ट्रांग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप, ग्रुप के साथ जो तल्लक होता है बिलोंगिंग का, अपनाइत का, वो बड़ा स्ट्रांग होता है, तभी वो ग्रुप चलता है। द ग्रेटर द प्रेस्टिज ऑफ़ द ग्रुप मेंबर, यानी ग्रुप मेंबर जो है हर ग्रुप की इज्जत, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाता है। अगर उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाएगा और उसको इज्जत दी जाएगी तो वो ग्रुप जो है वो कामयाब होगा। द सक्सेसफुल एफर्ट ऑफ चेंज इंडिविजुअल, यानी जो अफराद हैं जो उसके मेंबर होते हैं किसी ग्रुप के, उनकी बेहतरी के लिए, उनको मुस्बत तौर पर तब्दील करने के लिए ग्रुप जो है वो कामयाब होता है, अगर उसकी एफर्ट्स कामयाब होती हैं, और वो आदमी जो नया मेंबर बना है उस ग्रुप के अंदर एडजस्ट हो जाता है और उसके लिए काम करता है, मेहनत करता है, तो वो ग्रुप जो है वो अपने मकासद को हासिल करेगा। पेसिंग द मेंबर्स इनटू फंक्शनल हायरार्की, यानी वो जो मेंबर है उसको उसकी हायरार्की, उसके फंक्शन, उसके काम के मुताबिक उसको उसकी प्लेसिंग भी होती है और पेसिंग भी होती है, यानी उसकी जो रफ्तार है उसका तयन, उसकी उस कारकर्दगी के मुताबिक उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है और उसको उस हिसाब से उसके साथ डीलिंग की जाती है। कॉमन मोटिव्स होते हैं, जितने ग्रुप के मेम्बरान होते हैं उन सब की जो मोटिव्स होते हैं, उनकी जो अर्जीज होती हैं, उनके जो मकासद होते हैं, उनका जो शौक होता है वो एक जैसा होता है। ब्रिंगिंग अबाउट रीएडजस्टमेंट, यानी जो मेंबर के जो मेंबरान हैं उनकी रीएडजस्टमेंट की जाती है, उनको अगर वो अपने काम में, अगर मेंबर है जो बेहतर काम करता है तो उसको रीएडजस्टमेंट करके उसको प्रमोशन दे के उसको जिम्मेदारियाँ उसको ज़्यादा दे दी जाती हैं। इसी तरह अगर किसी के ऊपर बोझ ज़्यादा है तो उसकी रीएडजस्टमेंट करके काम को, उसकी जो लोड शेडिंग करके उस काम की जिम्मेदारियाँ जो हैं दूसरों को भी दी जाती हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप, ग्रुप जो है वो मुअसर होगा तो वो ग्रुप होगा, अगर वो मुअसर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है तो वो ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। फैसिलिटेटिंग द एक्शन टूवर्ड्स द गोल, यानी जो गोल है, जो मकसद है जिसके लिए ग्रुप बना था, उसमें एक दूसरे के लिए सहूलत फ्राहम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। बैरियर बिटवीन द लीडर एंड टू बी लेट मस्ट बी ब्रोकन डाउन, ये वो जो लीडर है, जो हेड है, उसके और जो उसके फॉलोअर्स हैं, उसके जो मातहत हैं, उसके दूसरे टीम मेंबर हैं, उनके दरमियान अगर कोई बैरियर है, कोई रुकावट है, कोई झिझक है तो उसको दूर करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो ग्रुप जो है वो तरक्की नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं और ख़त्म हो जाएगा। द इंटर ग्रुप रिलेशंस, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन मेंबर पार्टिसिपेशन इज़ असेंशियल, यानी जो इंटर ग्रुप रिलेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, अगर वो रिलेशन मजबूत नहीं है, अच्छी नहीं है, तो ग्रुप
नहीं चलेगा। इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, एक तरतीब एक तंजीम जो है मेंबर की होनी चाहिए, और हर जो सरगर्मी है उसमें मेंबरान जो है वो उनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जो मेंबरान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो ज़ाहिर है कि ग्रुप में गैर फाल हो जाएंगे और ग्रुप की कारकर्दगी मुतासर होगी। फैसिलिटेटिंग द एक्शन टूवर्ड्स द गोल, यानी जो मकसद की तरफ या गोल की तरफ जो उसके लिए वो सहूलतें फराम करते हैं, वसाइल फराम करते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नीड्स फॉर चेंज, प्लान फॉर चेंज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, वो जो इंफॉर्मेशन उसके लिए चेंज के लिए चाहिए होती है वो हासिल करते हैं, वो प्लान करते हैं, मंसूबे बनाते हैं और उस चेंज के लिए, और फिर ये भी देखते हैं कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी उसके अच्छे असरात या बुरे असरात क्या होंगे। यानी इस तरह ग्रुप जो है वो एक्टिव रहता है, अदरवाइज ग्रुप जो है वो गैर फाल हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। द चेंज मस्ट बी शेयर्ड बाई मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप्स, जो जो चेंज है, जो तब्दीली ला रहे हैं, वो सारे जो उसके ग्रुप के मेम्बर हैं उनके साथ शेयर की जाए और उनको उसमें शामिल किया जाए। द प्रेशर फॉर चेंज वैन स्ट्रॉन्ग कैन बी एस्टेब्लिश, यानी जब उस तब्दीली के लिए प्रेशर बिल्ड हो जाए, डिवेल्प हो जाए और सारे मेंबरान जो हैं उस ग्रुप के वो चाह रहे हों कि फ़लां चीज़ जो है उसके अंदर या किसी ऑब्जेक्टिव के अंदर या किसी अहदेदार के अंदर या किसी अफराद के अंदर या अपने कुछ चीज़ों के अंदर हम तब्दीली पैदा करें, तो फिर तब्दीली पैदा कर लेनी चाहिए। द मोर अट्रैक्शन अ ग्रुप हैज़ टू इट्स मेंबर, यानी अगर ग्रुप अट्रैक्ट करता है अपने मेंबर्स को और वो ये समझते हैं कि ये ग्रुप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे मफाद में है और वो ग्रुप उनको उनके लिए कशिश का बायस है और वहाँ वो जाकर उसकी उसकी जो सरगर्मी में हिस्सा लेके वो खुशी महसूस करते हैं, तो वो ग्रुप जो है वो बेहतर से बेहतर होगा। ग्रुप के जो फीचर्स कौन कौन से हैं, ग्रुप डायनेमिक्स के फीचर क्या हैं, उसकी कौन सी जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है, उसमें सबसे पहले तो ग्रुप डायनेमिक्स इज़ कंसर्न विद द ग्रुप, यानी ग्रुप डायनेमिक्स का ताल्लुक, इस सब्जेक्ट का ताल्लुक, स्टडी का ताल्लुक ग्रुप से है और उसकी ग्रुप इंटरेक्शन से है और चेंज से, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट, यानी वो जो ग्रुप के अंदर जो चेंजेस आ रही होती है, जो कोऑपरेशन है या कंपटीशन है या कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको ये स्टडी करता है ग्रुप डायनेमिक्स। स्ट्रेटिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट, यानी ग्रुप डायनेमिक्स में हम देखते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होती है, यानी मुख्तलिफ लेयर जो होती हैं किसी ग्रुप में, उहदों के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से या किसी और लिहाज से, अगर ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटाज हैं तो हम देखते हैं कि उनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है और जो मेंबरान हैं वो कैसे सेटिस्फाइड होते हैं। इफ मेंबर्स आर सेटिस्फाइड एंड फील टुगेदरनेस, दे वर्क हार्ड एंड ग्रुप एक्टिविटीज प्रोग्रेस। अगर टुगेदरनेस है, इकट्ठा है, एक उनका यानी इकट्ठे होने का, एक इज्तिमा का, एक यानी अपनाइयत उनके अंदर है और उनको एहसास है कि हम सारे इकट्ठे हैं और हम एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये कम होगी और इस तरह वो ग्रुप जो है वो बेहतर से बेहतर काम करेगा। इंटरेक्शन, यानी ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन को ये स्टडी करता है ये ग्रुप डायनेमिक्स। इफ़ इंटरेक्शन इज़ पॉजिटिव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस इज़ फेयर, द मेंबर विल कोऑपरेट एंड ग्रुप विल सक्सीड इन टू अचीव इट्स गोल्स। यानी उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव है वो असर करता है और इसको हम स्टडी करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स में। अट्रैक्शन, रिपल्शन, टेंशन, फील प्लेयर, रेजोल्यूशन ऑफ इशूज, अब्जॉर्प्शन, एक्सपल्शन, इक्विलिब्रियम और इम्बेलेंसिस, ग्रुप के अंदर जो ये मुख्तलिफ प्रोसेस होते रहते हैं, अफराद के दरमियान, ग्रुप के दरमियान इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है, रिपल्शन भी होती है। बाज़ औक़ात ऐसे अफराद जो कि ग्रुप की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ वो इतफाक़ नहीं करते, अपने ज़ाती मफादात के लिए वो काम करते हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए रिपल्शन होगी, एक टेंशन क्रिएट पैदा होगी, स्टार्मिंग होगी। बाज़ औक़ात ग्रुप में जो है अफराद फील प्लेयर, अगर वो खुशी महसूस करते हैं और मसाइल को रिजॉल्व करते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं, उसमें जज़्ब हो जाते हैं, और अगर कोई ऐसा फ़र्द है जो कि रूल्स को और कंडक्ट को और उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, तो उसकी एक्सपल्शन भी हो जाती है और इक्विलिब्रियम होती है कि एक बैलेंस जो है ना, एक तोज़न कायम होता है और बाज़ औक़ात अदम तोज़न पैदा होता है। तो हम इसमें स्टडी करते हैं कि ये सारे प्रोसेस क्यों होते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं और इनको कैसे हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसेंशल, यानी वो जो ग्रुप है
उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। इसको हम स्टडी करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। इट इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस, कंस्ट्रक्शन, पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। ये उसकी जो ग्रुप की कंस्ट्रक्शन को बेहतर करती है, पार्टिसिपेशन को बेहतर करती है, कोऑपरेशन को बेहतर करती है। तो इन प्रोसेसेस को भी ग्रुप डायनेमिक्स में स्टडी किया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं और उनको फॉलो कैसे किया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे है, जिम्मेदारियाँ कैसे दी जाती हैं और मुख्तलिफ लोगों के जो रोल हैं, उनका जो किरदार है, उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो कैसी हैं और उनको कैसे जो है वो उस ग्रुप के मफादात के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके गोल्स को और उनके टारगेट्स को, यानी अपने जो पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं उसको कुर्बान करके ग्रुप के जो इंटरेस्ट हैं, गोल्स के लिए काम किया जाता है। तो ग्रुप डायनेमिक्स में हम इन चीज़ों को भी देखते हैं। ग्रुप डिसीजंस आर मेड विद म्यूचुअल कंसल्टेशन, डेमोक्रेटिक एंड फेयर मीन्स आर अडॉप्टेड, वीकर आर स्लोअर मेंबर्स आर हेल्प्ड एंड हुक्ड अप। यानी कैसे हम अपने फैसले जो हैं ग्रुप के जो डिसीजंस होते हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, कैसे उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं आपस में मशावरे से, कंसल्टेशन से, डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी तरीकों से, फेयर मीन से, अच्छे तरीकों से, और कैसे हम जो कमज़ोर और स्लोअर जो मेंबर्स हैं जो अपने काम को उस लेवल पे नहीं ला सकते, हम उनको बजाय उन पर तनकीद करने के उनको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं और उनको कैसे अपने बराबर ला सकते हैं। अगर कोई गरीब है तो उसको कैसे अपनी सतह पे लाया जा सकता है। ये चीज़ें जो है ना वो भी ग्रुप डायनेमिक्स में स्टडी की जाती हैं। रेजोल्यूशन ऑफ टेंशन, यानी अगर कोई टेंशन है, एडजस्टमेंट है, री एडजस्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, एलिमिनेशन ऑफ टेंशन है कि ये टेंशन जो है उसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, टैबूज जो हैं, जो रुकावटें हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं, नई टेक्नोलॉजीज और न्यू वेज ऑफ प्रोग्रेस आर अडाप्टेड के उनको कैसे हम अडाप्ट करते हैं ग्रुप की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए। तो ये ग्रुप डायनेमिक्स में इन चीज़ों को भी स्टडी किया जाता है। बीइंग टीचर जो है हमें पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो मुख्तलिफ होता है ग्रुप बिहेवियर से। इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्राम ग्रुप बिहेवियर। ये चूँकि हम क्लास में होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो बच्चा जब अकेला होता है, स्टूडेंट अकेला होता है तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, जब वो ग्रुप में होता है तो उसका बिहेवियर किसी और तरह का होता है। हमें बीइंग टीचर हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल बिहेवियर अफेक्ट्स द ग्रुप बिहेवियर, यानी एक फ़र्द का जो बिहेवियर है ग्रुप के बिहेवियर को मुतासर करता है। और टीचर को ये पता होना चाहिए कि जो क्लास है, चूँकि एक ग्रुप होती है और हमने उस ग्रुप को डील करना होता है, इसलिए हमें ये आर्ट आनी चाहिए, ये फन हमारे पास होना चाहिए कि हम उस ग्रुप को कैसे डील करें। टीचर शुड नो अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द ग्रुप, कि ग्रुप जो है वो फ़र्द को मुतासर करता है और फ़र्द भी ग्रुप को मुतासर कर लेता है। बाज़ औक़ात एक फ़र्द जो होता है पूरे ग्रुप को मुतासर करता है और उसके एक की किसी हरकत की वजह से पूरा ग्रुप मुतासर होता है और ग्रुप जो है वो उसकी कारकर्दगी से कोई फ़र्द जो है वो भी मुतासर होता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर, क्या क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उसके क्या उसकी जो खसूसियात हैं वो क्या क्या हैं ग्रुप में। ग्रुप क्रिएट्स देयर ओन साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी ग्रुप जो होता है उसका अपनी एक नफसियाती कुव्वत होती है और वो असर करती है किसी एक फ़र्द के उसके बिहेवियर को भी। ग्रुप बिहेवियर इन द क्लासरूम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ स्टूडेंट्स परसीव द टीचर, यानी जो क्लासरूम क्लास अगर ग्रुप है तो वो उसका जो बिहेवियर होता है वो इस बात पर उसका इनसार होता है कि वो टीचर को कैसे परसीव कर रहे हैं, यानी टीचर के बारे में उनका ख्याल किया है, उनके जहन में जो इमेज है टीचर का वो कैसा है। अगर टीचर का इमेज अच्छा है तो जाहिर है कि वो क्लास की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, और अगर टीचर के बारे में उनका रवैया ठीक नहीं है, उनका इमेज ठीक नहीं है, वो टीचर की शख्सियत को उस तरह से परसीव नहीं कर रहे कि जी ये टीचर जो है वो ठीक नहीं पढ़ाती, या ये टीचर जो है इसके जो तरीका है वो ठीक नहीं है, ये बच्चों की जो डीलिंग है वो दुरुस्त नहीं है, ये सजा देती है, ये डराती है, ये मारती है, तो ये अगर परसेप्शन है तो बच्चों की जो बिहेवियर है वो और तरह का होगा। अगर वो ये हो कि नहीं ये टीचर बहुत अच्छी हैं, ये बड़ी शफीक हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट जो है समझाती हैं, पढ़ाती हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उस टीचर का जो परसेप्शन होता है बच्चों के ऊपर, उससे क्लास का बिहेवियर जो है वो ठीक होता है या ख़राब होता है। डीलिंग विद क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट्स रिक्वायर्स
डायग्नोस्टिक लिंकिंग बाय द टीचर। टीचर जो है वो क्लासरूम के जो झगड़े होते हैं, उनके जो मसाइल होते हैं, जो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि टीचर जो है ना वो एक डायग्नोस्टिक थिंकिंग हो उसकी, एक तशखीस करने वाली, जिस तरह डॉक्टर होता है वो जब मरीज़ उसके पास जाता है तो वो डॉक्टर उसकी पूरी तशखीस करता है, उसका इंटरव्यू करता है और उससे मुख्तलिफ उसकी हिस्ट्री पूछता है और उसके बाद उसके कोई टेस्ट वगैरह करता है और फिर जाके उसको बीमारी को डायग्नोज करता है और फिर इलाज करता है। तो टीचर का जो बिहेवियर है वो भी उस तरह एक थेरापिस्ट का, डॉक्टर का या एक साइकोलॉजिस्ट का होना चाहिए, ताकि वो मर्ज की असल शिनाख्त कर सके, उस बीमारी की असल वजह तलाश कर सके, उस मसले को की तह तक जा सके और उसे हल कर सके। डीलिंग विद क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी क्लासरूम के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, झगड़े हैं, उनको कैसे हम डील कर सकते हैं? सबसे पहला जो है वो है फार्मिंग का फर्स्ट आइडिया। जब कोई शरारत होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में, पहला हमारे जहन में एक आइडिया आता है, ख्याल आता है कि ये शरारत जो है इस वजह से हुई है, इसकी वजह ये है और इसको इस तरह हल किया जा सकता है। और ये आइडिया जो है ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो और बिल्कुल जो है फेयर हो। ये आइडिया तब हम उसके बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं जब हम उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जमा करें, उसके बारे में कुछ डेटा लें, हम दूसरे बच्चों से पूछें, मुख्तलिफ जो है ना तरीक़ों से हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लें, तब हम बेहतर जो है किसी फैसले के बारे में या उस सिचुएशन को एनालाइज करने की पोजीशन में होंगे। फिर वो जो हमने ये भी देखना है कि जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, जो शरारत अगर कहीं पे है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है या झगड़ा है, उसकी एक सामने नज़र आने वाली एक वजह होती है, लेकिन कुछ वजूहत ऐसी होती हैं जो सामने नज़र नहीं आती, छुपी हुई होती हैं, हिडन होती हैं। ये टीचर का काम है कि वो उन हिडन फैक्टर्स को भी देखे, उनके बारे में भी मालूमात जमा करे और वो उसकी जो पीछे छुपी हुई चीज़ें हैं, जो असल वजूहत हैं जो नज़र नहीं आ रही, उन फैक्टर्स को भी वो देखे, ताकि उस उन फैक्टर्स को देखते हुए फिर वो कंक्लूड करे, कोई नतीजा निकाले। फिर उसके बाद इस तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर वो एक्शन ले, फिर कोई फैसला करे। ये नहीं कि पहले आइडिया पे ही जो ही उसने कोई शरारत देखी तो फौरन ही जो है कोई फैसला कर लिया और उस पर कोई अमल कर लिया, नहीं। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद, उसकी तह तक पहुँचने के बाद, उनकी हर तरह की मालूमात लेने के बाद फिर फैसला किया जाए और फिर उस पर अमल किया जाए। और फिर इसमें फ्लेक्सिबल हमें होना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ जो हमने देखी है, जो हमें महसूस हुई है, अगर उसके ख़िलाफ़ भी हमें कोई गवाही मिलती है, कोई डेटा मिलता है, तो हमें फ्लेक्सिबली उन चीज़ों को भी देखना है और अपने फ़ैसलों पे रिजिड नहीं कि मैंने कह दिया है, मैंने फ़ैसला कर दिया है, मैंने ये देखा है, तो उस पर हमें फ़ैसला जो है वो नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उस पूरे प्रोसेस से गुजर के हम जब फैसले करेंगे तो हमारे फ़ैसले अच्छे होंगे और क्लासरूम के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और क्लास बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगी। क्लासरूम कंट्रोल के टेक्निक्स कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये है कि सपोर्टिंग सेल्फ कंट्रोल, नो द रीज़न। सबसे पहला अमल जो है हमने अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को काबू करना है, यानी हमने गुस्से में नहीं आना, हमने जोश में नहीं आना, क्योंकि गुस्सा जो है वह अकल को खा जाता है। तो सबसे पहले हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। जब हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो फिर हम हकायक को देख पाएंगे, फिर हम जानने की हम इस पोजीशन में होंगे कि हम असल चीज़ या असल वजह को तलाश कर सकें। ऑफरिंग सिचुएशनल असिस्टेंस इन्फ्लुएंस द रीज़न, यानी वो जो सिचुएशन है जो वहाँ पैदा हो गई है, जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, जो झगड़ा हो गया, कोई किसी बच्चे की कोई शिकायत है, तो उस सिचुएशन को हम देखें कि वो सिचुएशन क्या है, और अगर वो बच्चे की कोई प्रॉब्लम है या क्लास में कोई ऐसा मसला है तो हम उस सिचुएशन को क्या करेंगे, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और उस स्टूडेंट को या उस ग्रुप को उस सिचुएशन से निकलने में मदद करेंगे। फिर अप्रेजिंग रियलिटी हेल्प आर रिमूव, वो जो रियलिटी है उसको हम उसकी अप्रेजल करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, उसके तमाम पहलुओं का जो है उसका मुशाहिदा करेंगे, और फिर हम उस चीज़ को जो ये प्रॉब्लम पैदा कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है, उसको रिमूव कर देंगे और उन बच्चों को या उस बच्चों के ग्रुप को या उस ख़ास उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि उसको इस तरह हेल्प आउट किया जाए ताकि वो मसला हल हो जाए। इनवोकिंग प्लेयर एंड पेन, हम करेंगे शरारत करने वाले या प्रॉब्लम पैदा करने वाले बच्चों के लिए जो है उनको
किसी सज़ा की धमकी भी दे सकते हैं कि हम नहीं ये जो है सज़ा देनी है, या अगर अच्छा काम किया या आपने इस मसले को बेहतर तरीके से हल किया तो फिर आपको ये इनाम भी मिल सकता है। तो प्लेयर और पैन का जो है ये तसव्वुर भी एक टेक्निक है, लेकिन जिस्मानी सज़ा जो है वो कतन नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये एक गैर कानूनी जो है वो काम होगा। तो प्लेयर और पैन का मतलब है उसको किसी इनाम का कहा जाए, या किसी कोई चीज़ उसके पास है तो वो ले ली जाए, या उससे वो चीज़ जो है वो जो उसकी जो जगह है उसकी सिचुएशन है उसका जो जो सहूलत उसे हासिल है वो उसे वापस ले ली जाए। तो ये यानी तरीका एक है क्लासरूम कंट्रोल का। एक है टेकिंग एक्शन, यानी जो जो हमने फैसला किया है उस पर अमल करना है। उसके लिए 3 F जो हैं, फोकस हम करें उस प्रॉब्लम के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, उस कन्फ्लिक्ट के ऊपर, लेकिन उस फोकसिंग में और उस फैसले में हम फेयर रहें। हम बिल्कुल जो है वो उसके अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को ना देखें, किसी सिफारिश को या किसी और चीज़ को ना देखें, बल्कि फेयर डीलिंग करें। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो जाए। और फर्म हमें रहना चाहिए कि हमने जो फैसला किया है अगर उसी तरह की सिचुएशन फिर भी पैदा होती है तो हम उसी तरह का फैसला करें। ये नहीं कि हमने एक दिन फैसला किया और दूसरे दिन उसी तरह की कोई किसी बच्चे ने हरकत की तो हमने उसे छोड़ दिया, हमने उसे कोई पूछा भी नहीं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लास कंट्रोल को ख़राब करती हैं और हमारी जो शख्सियत है उसको भी मुतासर करती हैं। रोल्स ऑफ इंडिविजुअल विद इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो अफराद होते हैं, या उस ग्रुप के अंदर जो लोग होते हैं, उनके क्या रोल, यानी एक फ़र्द के या एक आदमी के क्या रोल होते हैं। तो एक तो वो लीडर हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लीडर होते हैं, लीडर बनने का उनके अंदर शौक होता है, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी होती हैं, तो उनको जिम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं और उनसे वो लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसको पॉलिश किया जा सकता है। तो इन लीडर्स को अगर हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो क्लासरूम हमारी अच्छी होगी, वरना ये लीडर जो हैं वो क्लास को ख़राब करते हैं। दूसरे क्लाउन्स होते हैं, ये मस्खरे होते हैं, जोकर्स होते हैं, जो हर वक्त क्लास को हंसाते रहते हैं, या उनको किसी न किसी ऐसे उनका जो किसी फन में किसी इस तरह के मजाहिया तरीके से अपनी शरारतों से जो है वो क्लास के एक तरह से पसंदीदा होते हैं। और ये क्लाउन जो है ये आपकी हमारी क्लासों को ख़राब करते हैं। इनको हमें नोट करना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये चुप के बाद अवकात शरारत कर जाते हैं और बच्चे जो हैं उनको उनको देख के या उनको सुन के हंसते हैं, और इस तरह क्लास कंट्रोल जो है वो ख़राब होता है। फाल गेज, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो भी कहीं पे कोई शरारत हुई कुछ हुआ तो ये इनके ज़िम्मे लग जाता है। ये जो है ना यानी पूरी क्लास या ग्रुप जो है वो इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो खुद भी तैयार होते हैं कि जी बस हमारा नाम ले लिया जाए, हमें क्लास से निकाल दिया जाए ताकि जान छूटे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बच्चे जो हैं वो इस तरह का बना देते हैं कि कोई भी मसला हो, कोई भी शरारत हो तो मैडम सर फला ने किया है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसी तरह इंस्टिगेटर होते हैं, जो इनिशिएटर होते हैं, यानी किसी भी शरारत को वो शुरू करते हैं और एक तरह से ये उसको जल्दी पे तेल डालते हैं, और कोई भी शरारत करके बाज़ औक़ात ये खुद जो हैं वो मासूम बन के बैठ जाते हैं। और ये हमें क्लास में पता होना चाहिए कि हम ये इंस्टिगेटर हैं, ये शरारत करने वाले हैं, ये शरारत यहाँ से शुरू होती है। और एक आइसोलेट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो क्लास से दोस्तों से अलग थलग रहते हैं, इनकी दोस्ती किसी के साथ नहीं होती, इनका ताल्लुक किसी के साथ नहीं होता, ये बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। और ये भी क्लास का जो कंट्रोल है उसकी उसमें एक खराबी का बायस बनते हैं। ये क्लास के साथ चलते नहीं हैं, इनकी किसी से बातचीत नहीं होती, ये बिल्कुल ही एक अलग तरह के बच्चे होते हैं। तो हमने कोशिश करनी होती है कि इनकी आइसोलेशन को अलग किया जाए और बाकी उनके साथ ही ना मिलाया जाए। एक पेयर्स होते हैं क्लास के अंदर, जोड़े होते हैं जो आपस में चाहे वो दूर दूर भी बैठे हुए हों ये जोड़े होंगे। अगर इनको ब्रेक के टाइम, छुट्टी के टाइम या स्कूल आते जाते देखें तो ये जोड़ी होती है, और ये हर शरारत में और हर काम में ये आपस में एक ही इनकी जो है कारकर्दगी होती है, एक ही सोच होती है, और ये एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये अच्छे कामों में के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये यानी ग्रुप को क्लास को ख़राब करने में भी ये अपना किरदार अदा करते हैं। एक जो है वो स्टार्स होते हैं, ये स्टार्स ऐसे होते हैं कि 2, 4, 6 बच्चों का एक ग्रुप होता है और ये एक बच्चा जो है उस ग्रुप का लीडर बन जाता है। और ये क्लास में 2, 4, 6 स्टार्स होते हैं जिनको बच्चों के वो जो कुछ बच्चे उनको पसंद करते हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उसके साथ खेलना जो है, या उनके साथ अपने तलकात रखना, वो समझते हैं कि वो ये स्टार जो है इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए और हम
इन स्टार्स को भी किसी अच्छे काम के लिए भी, क्लासरूम की जो कंट्रोल है उसके क्लास की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्टार जो हैं ये क्लास को मुकम्मल तौर पे ख़राब कर देंगे। टीचर रोल क्या है, यानी टीचर का क्या किरदार है? आज के दौर में टीचर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, उसका एक साइकोलॉजिकल और रोल होता है, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी का उसे माहिर होना चाहिए, बच्चों की नफसियात के बारे में उसे पता होना चाहिए ताकि वो बेहतर अपना जो है वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जान सके। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, उस्ताद जो है वो माशरे का भी एक नुमाइंदा होता है, क्योंकि उस्ताद जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, तो माशरे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, इसलिए उनको बेहतर तौर पर नुमाइंदगी करनी चाहिए। सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी उस्ताद ज़्यादा चूँकि जानते होते हैं बच्चों के मुकाबले में, क्लास के मुकाबले में, इसलिए वो सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, उनको अपनी स्टडी बढ़ानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको गेन करना चाहिए ताकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकें और क्लास उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। रोल ऑफ डायरेक्टर, यानी एक टीचर जो है वो एक डायरेक्टर का भी उसका रोल होता है, वो डायरेक्ट करते हैं, हदायत देते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, गाइड, मोटिवेटर, काउंसलर और रोल मॉडल। टीचर जो है वो गाइड भी होते हैं, मोटिवेट करने वाले भी होते हैं, मशीर भी होते हैं, काउंसलर भी और रोल मॉडल भी होते हैं, एक नमूना होते हैं जिन पे बच्चे उनको देख के चलते हैं। प्लानर होते हैं टीचर, मैनेजर, प्रॉब्लम सॉल्वर, तो ये मुख्तलिफ जो इनकी टीचर्स की मुख्तलिफ रोल्स हैं और इन रोल पे टीचर को पूरा उतरना चाहिए। स्कूल और टीचर का जो रोल है वो, यानी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए स्कूल का, कि जिसमें बच्चे खुश हों, बच्चे आना पसंद करते हों, बच्चों की सहूलियात का ख्याल रखा जाए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इस तरह बच्चे जो हैं स्कूल को या क्लास को अपना समझेंगे और वो स्कूल खुशी खुशी आएंगे और तालीम बेहतर तरीके से हल कर सकें। डू नॉट क्रिटिसाइज, पॉइंट आउट द मिसचीवर्स, वो जो बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, उन्होंने कोई अगर गड़बड़ की है तो सबके सामने उनकी बेइज्जती नहीं करनी, उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उन पर तनकीद नहीं करनी, इस तरह वो डिसग्रेस हो जाएंगे, उनकी बेइज्जती होगी, हर्ट हो जाएंगे और वो बच्चे फिर आइंदा के लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे। सेफ्टी नीड्स बच्चों की जो हैं वो पूरी की जाएँ ताकि वो अपने आप को, बच्चे जो हैं वो महफूज समझें अपने स्कूल में, अपने इदारे में, अपनी क्लास में। एनवायरमेंटल हैज़र्ड जो हैं, अगर कोई माहौल में कोई ऐसी खराबियां हैं जो रुकावटें हैं जिससे बच्चा जो है वो तालीम हासिल करने में रुकावट महसूस करता है, तो इन एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स को भी हमने देखना है और उनको भी दूर करना है। नो द रीज़न, जो भी शरारत है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी मसला है, उसकी वजह तलाश करें कि उसकी असल वजह क्या है, इसके पीछे जो हिडन फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं, और उन वजूहत को दूर करके ही हम बेहतर जो है स्कूल का माहौल और क्लास का माहौल बना सकते हैं। डेटा और पोर्टफोलियो हमारे पास होना चाहिए, हमारे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों के बारे में, ग्रुप के बारे में, क्लास के बारे में, उनकी सबका कारकर्दगी के बारे में, और बच्चों की पोर्टफोलियो होनी चाहिए जिससे हमें बच्चों के बिहेवियर का पता चलेगा। क्लास को मैनेज करने के लिए जो डिफ़िकल्टीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक जो है ट्रांसफरेंस है। ट्रांसफरेंस ये होता है कि किसी एक चीज़ से बच्चा अगर खौफज़दा होता है तो वो उस खौफ को दूसरे में मुंतकिल कर देता है। मसलन अगर टीचर की शक्ल या उसका लिबास जो है वो किसी ऐसे शख्स की तरह है जिससे बच्चे से खौफ है, जिसे जिससे बच्चा नफरत करता है, तो वो जो उस आदमी के साथ उसकी नफरत है या उसका खौफ है वो टीचर के साथ उसका वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा, तो इस तरह उसकी लर्निंग जो है वो बेहतर नहीं होगी। तो ये हमने देखना है कि ये स्कूल का जो माहौल है या स्कूल की जो चीज़ें हैं या स्कूल का जो बिहेवियर है, जो जो हमारी बिहेवियर है, कहीं उस से जो बच्चा खौफ ज़्यादा इस वजह से तो नहीं है कि इसके पीछे कोई और खौफ जो है वो मौजूद है। हम बच्चों को डराते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उन्हें खौफ दिलाते रहते हैं, ये खौफ सारी उम्र जो है बच्चे को ख़राब करते रहते हैं, तो हमें खौफ नहीं बच्चों को दिलाना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ग्रुप एज ए होल, ये जो ग्रुप है ये एज ए होल काम करता है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये नहीं है कि पूरी की पूरी क्लास है, तो अक्सर क्लासें ऐसी होती हैं और बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे के सारे जो हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं और सारे के सारे जो हैं वो एक जैसे होते हैं, और इस तरह जो है वो ये एज ए होल जो है वो ग्रुप काम करता है। किसी एक बच्चे को क्लास से निकाल देने से या किसी एक बच्चे को डांट देने से वो मसला हल नहीं होगा, बल्कि अक्सर जो है पूरे का पूरा ग्रुप जो है उसके अंदर कोई ऐसी बात होती है कि पूरा ग्रुप हमें ठीक करना पड़ता है। तो ग्रुप एज ए होल, क्लास एज ए होल हमें लेना चाहिए। ग्रुप रोल जो हैं, यानी वो जो ग्रुप हैं या जो सब ग्रुप हैं क्लास के, उनके उनके क्या रोल्स हैं, उनके क्या कारकर्दगी है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, वी शुड नो इट।
सिस्टम अप्रोच का हमें, क्लास जो है वो एक सिस्टम के तहत काम करती है और एक सिस्टम अप्रोच हमें अपनानी चाहिए और इस सिस्टम के तहत अपनी क्लास का डिसिप्लिन और उसके जो मामले आते हैं उसको ठीक करना चाहिए। पैरेलल प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्रोसेस हो रहते हैं, बच्चों के जहनों में चल रहे होते हैं, बच्चों ने बहुत सारे दूसरे जो हैं वो क्लासेस या दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो ये यानी एक वक्त में हम ये ना समझें कि ये जो हम कह रहे हैं, जो हमने फ़ैसला किया है, जो हमारी जो बात है बस यही है। अब इसके बहुत सारे पैरेलल रोल भी होते हैं और हमने उनका भी, कोई मुतवाजी जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उनका भी हमने ख्याल रखना।